23 मई को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी के हाथों हार मिलने के बाद मंथन करने में जुटी हैं। गोरखपुर से लोकसभा चुनाव हारने के बाद से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी रोज की तरह लगने वाली भीड़ नदारद दिखी और पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा रहा। बेतियाहता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव रोज की तरह मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने गठबंधन की हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, परिणाम एक तरह से प्रशासनिक दुरुपयोग और पैसे का वितरण करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में प्रभावित करके ये चुनाव जीता गया है। ये लोकतंत्र के अपहरण की तरह से हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी मेहनत से चुनाव में लगे। मैं समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को, बूथ लेवल के साथियों को, सभी नेताओं को मैं साधुवाद देता हूं। और 2014 में जितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, बहुजन समाज पार्टी को मिला था, दोनों का जोड़ने के बाद जितना वोट होता है उससे ज़्यादा वोट हमको आज मिला हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह से जो वोट हमसे दूर हुआ उसकी तो कुछ दुश्वारियाँ थीं, कुछ मजबूरियाँ थीं, कुछ प्रभाव में और कुछ प्रसाद लेकर जो लोग चले गए उन लोगों के नाते सीट जीती गई। आगे की रणनीति हम लोग 2022 के लिए तय कर रहे हैं कि इस प्रभाव और प्रसाद के प्रभाव को कैसे हम कम कर सकें, उसी पर हमारी सारी लड़ाई होगी। इनके प्रसाद के प्रभाव को अगर हम कम कर लेंगे और इनका जो प्रभाव है अपने आप कम हो जाएगा। ये प्रसाद देकर बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे सांसद रहे प्रवीण जी भी प्रसाद में ही आकर्षित हो गए, अमरेंद्र जी भी प्रसाद में आकर्षित हुए थे, लेकिन उन्हें कम दिनों में पता चला कि ये प्रसाद नुकसान कर सकता है, तो हमारे साथ फिर आ गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग इशू होते हैं। लोकसभा के इशू में जिस तरीके से बालाकोट के मामले को लेकर के और तमाम चीज़ें जो संप्रेषित की गई जनता के सामने, वह तो था ही, साथ ही साथ भारी पैमाने पर प्रशासनिक दुरुपयोग और पैसा चला है। इसलिए हम लोग 2022 के चुनाव को इसकी छाया से बचाने का चुनाव लड़ेंगे, मुस्तैदी से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे।